સુરત શહેરમાં ગુનેગારો બેફામ બની ગયા હોય તેમ એક પછી એક ઘટનાઓને અંજામ આપી રહ્યા છે ત્યારે સુરત શહેરના લિંબાયત વિસ્તારમાં નજીવી બાબતે ત્રણ શખ્સો દ્વારા યુવક પર ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કરી ફરાર થઈ ગયા હતા ઘટનાની જાણ થતા ઉચ્ચ પોલીસના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા જ્યારે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલા યુવકને સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો મળતી માહિતી પ્રમાણે લિંબાયત વિસ્તારમાં આવેલા રત્નાચોક ખાતે રહેતો ધર્મેશ પાટીલ નામના યુવક પર ત્રણ શખ્સે સોમવારની રાત્રિના દસ વાગ્યાના આસપાસ ઘર નજીક ધર્મેશ પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરી નાસી ગયા હતા ઘટનાની જાણ થતા લિંબાયત પોલીસ સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને યુવકને સારવાર માટે પહેલા સિવિલ હોસ્પિટલ ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા જ્યાં હાલ युवक आईसीयू में दाखिल कराए हाल समग्र मामले पोलिस गुना न दी वो तपास हाथ कुम बेन भास्कर भाई पाटिल को यहाँ पे आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था झगड़ा किया आ, क्या, कैसे झगड़ा हुआ था और वो गाली देते थे तो धर्मेश ने पूछा किसको गाली देते हैं तो धर्मेश के साथ उसने फिर उसको ज्यादा गाली देने लगा फिर धर्मेश ने भी उसको बोला क्यों गाली देवे तो उसमें से उसने चप्पू निकाल के मार दिया धर्मेश को अच्छा कहा मारा और कितने लोग आए थे इधर छाती पे लगाए और कमर में लगा और पैर में लगा तीन गाँव मारा है उसको कितने लोग आए थे मारने चार चार गाँव तीन जन थे अच्छा आप पहचानते उन लोगों को मैंने नहीं पहचानती हूँ पर मैं सब मैंने पूछा मेरे लड़के को भाई तू पहचानता है उनको तो उसने बोला हाँ मम्मी एक का नाम कबूतर है एक हर्षद और दूसरा कौन है वो मेरे को नहीं मालूम बेटा अभी आपका बच्चा क्या एडमिट है उसकी हालत कैसी है हॉस्पिटल में यूनिक हॉस्पिटल में है अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं डॉक्टर ने रात को ऑपरेशन किया उनका सर्जरी हुई है पुलिस ने क्या बोला पुलिस लोग ने सब लिख के गए वो बेटा मेरे को नहीं मालूम फिर क्या लिखा वो लोग ने सब लिख के लेके गए वो लोग अच्छा रात को कितने बजे हुआ था सवा दस बजे घर के पास ही हुआ था हाँ घर के पास कैमरा मैन मुकेश गुर सोनल टोपी वाला दिव्यांग न्यूज सूरत